जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का माँ वैष्णो देवी जी की पावन यात्रा में। दोस्तों आज है आठवां नवरात्रा और आज हम आपको करवाएंगे श्री माँ वैष्णो देवी जी की फुल यात्रा। साथ ही साथ आपको रहने खाने और आने जाने की सुविधा के बारे में भी बताएंगे, किन किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है वो सब चीज़ें आपको इस ब्लॉग में पता चलने वाली हैं। कैसे आपको माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा करनी है वो भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ जो माँ वैष्णो देवी जी की भवन पे डेकोरेशन की गई है, 5 करोड़ के फ्लावर यूज़ किए गए हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आप हमारे साथ डिजिटली माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करेंगे। तो जोर से बोलो जय माता दी। तो चलिए यात्रा को स्टार्ट करते हैं। जयकारा माँ वैष्णो देवी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। और मेरे साथ जा रहा है आज गुरप्रीत भाई जो कि लुधियाना से गेस्ट आया हमारा स्पेशल। तो गुरप्रीत भाई को भी हम यात्रा को मतलब पूरा लुफ्त उठाएंगे यात्रा को साथ मिलकर। और अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है, व्यू काफ़ी अच्छा, सुहाना मौसम है, एकदम रोमांचक मौसम कह सकते हो इसको। और ये लगी हमारे पीछे वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से कटरा और कटरा से दिल्ली के बीच में चलती है। अगर आप इस ट्रेन से आते हो तो आप एक दिन में अप डाउन कर सकते हो, यानी कि सुबह 6 बजे दिल्ली से निकलती है और 2 बजे के आसपास कटरा और 3 बजे कटरा से और रात को 11 बजे दिल्ली पहुंचा देती है आपको। देखो ये ट्रेन काफ़ी अच्छी ट्रेन है। तो चलिए यात्रा को स्टार्ट करते हैं हम। सो दोस्तों यात्रा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको RFID कार्ड लेने होंगे, जिसकी बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। RFID कार्ड आप 3-4 जगह से ले सकते हो। एक आप ले सकते हो रेलवे स्टेशन से, एक आप ले सकते हो बस स्टैंड से, एक आप ले सकते हो निहारीगा कॉम्प्लेक्स से और एक आप बाणगंगा चेक पॉइंट से ले सकते हो RFID कार्ड। RFID कार्ड्स के लिए यात्रियों की लाइन काफ़ी लंबी रहती है जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो रेलवे स्टेशन पे RFID कार्ड लेने से अवॉइड करें भाई। बाकी दोस्तों माँ वैष्णो देवी यात्रा के लिए सबसे आपको नज़दीक जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो कटरा का पड़ेगा, साथ ही साथ आपको जो बस स्टैंड पड़ेगा वो भी कटरा का पड़ेगा। लेकिन अगर आप जम्मू तक आते हो, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें जम्मू तक भी आती हैं, तो आपको जम्मू से लेके कटरा तक बस मिल जाएगी जो कि सिर्फ 80 या 100 रुपये में आपको कटरा पहुँचा देगी। बाकी होटल की बात करें तो होटल का जो आपको प्राइस पड़ेगा वो आपको पड़ेगा लगभग 500 से 800 प्राइवेट। और अगर आप डॉर्मेट्री लेना चाहते हो जो कि श्राइन बोर्ड द्वारा बनाई गई है निहारिका कॉम्प्लेक्स में ले सकते हो, तो डॉर्मेट्री आपको 150 रुपये में मिल जाएगी। और यहाँ पे भी IRCTC के लॉन्च वगैरह जो कि 2500 में रूम है। सो भाई अभी हम ले रहे हैं अपने RFID कार्ड्स स्टेशन से ही, क्योंकि हमने वेट किया यहाँ पे, पहले बहुत बड़ी लाइन थी ना, तो अभी हम लेने वाले हैं भैया। सो भैया ये मिल चुके हैं हमें, देखिए यात्रा रजिस्ट्रेशन RFID कार्ड्स। सो स्टेशन से निकलने के बाद आपको ऑटो सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। अगर ऑटो के प्राइस की बात करें तो यहाँ से स्टेशन से अगर आप बाणगंगा तक जाते हो तो आपको 260 रुपये लगेंगे, अगर आप यहाँ से बस स्टैंड तक जाते हो तो आपके लगेंगे 160 रुपीज़। सो एक इम्पोर्टेंट बात नेटवर्क को लेके, अगर आप जम्मू कश्मीर से हो तो आपको सिम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर से हो जम्मू कश्मीर के तो आपकी सिम काम करना बंद कर जाएगी जम्मू कश्मीर में, तो आप यहाँ से यात्री सिम भी ईजिली ले सकते हो। सो दोस्तों ये पहुंच चुके हैं हम माता वैष्णो देवी जी के फेमस चौक पे, जिसको कहते हैं फुहारा चौक। और यहाँ पे आपको बस स्टैंड भी मिल जाएगा उस साइड, और अगर आपको RFID कार्ड वगैरह लेने हैं तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपकी। बाकी काफ़ी ब्यूटीफुल है और रात को ये पूरा का पूरा लाइट्स के साथ डेकोरेटर रहता है, काफ़ी ज़्यादा चमचमाता है। और इसके सामने आपको मिलेगा माँ वैष्णो देवी जी का त्रिकुटा पर्वत। और ये जो फुहारा चौक है ये बस स्टैंड पे ही है एक टाइप का, वो देखिए सामने ले लो, का दो। क्या माता की पट्टी, यहाँ पे आपको चुन्नी बांधने वाले भैया भी मिल जाएंगे। ये आपको पट्टी कितने की है? 10 का 2। 10 का 2 है, बना ले भाई 10 के 2। ये बांधते भी हैं भाई। सो भाई ये पहुंच चुके हैं हम मेन द्वार पे माता रानी का। देखिए मेन द्वार कितना ज़्यादा सजावट हुई है भाई यहाँ पे, देखिए
और यही वो चेक पॉइंट है। यहाँ पे आपका RFID कार्ड स्कैन होगा भाई, बिना RFID कार्ड के आप यात्रा नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए काफी बड़ी लाइन लगी हुई है माता रानी की, देखिए काफी बड़ी लाइन लगी हुई है भाई। देखिए हम भी अभी जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए, और देखिए हम भी अभी लाइन में लग चुके हैं। माता रानी की यात्रा हमारी मेन यहीं से स्टार्ट होगी, और जो ऑटो वगैरह छोड़ते हैं ना वो आपको इसी पॉइंट पे छोड़ते हैं, जो मैंने स्टेशन से बताया था ना, यही बाणगंगा चेक पॉइंट है, यहाँ से मेन यात्रा स्टार्ट होगी। तो भाई यहाँ पे हमारी चेकिंग वगैरह हर चीज हो गई है, और अभी हम जा रहे हैं अपना यात्रा स्टार्ट करने के लिए। और जो आपके RFID कार्ड्स होते हैं ना, वो आपको वापस से यहाँ पे जमा करवाने होते हैं। अगर आप जमा नहीं करवाते हो या आप अपना RFID कार्ड छुपा देते हो, अगर आपके पास नहीं मिलता तो आपका जुर्माना काटा जाएगा। यहाँ पे आपको पता नहीं कितना जुर्माना होगा भाई, वो देखिए यहाँ पे लिखा भी है। सो चेक पॉइंट से जैसे आप आते हो तो आपको दो पॉइंट मिलते हैं, एक आपको मिलता है ताराकोट मार्ग जिससे आप जा सकते हो, एक मिलता है आपको पुराना मार्ग। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप पुराने मार्ग से ही जाएं भाई, क्योंकि यहां पे आपको रौनक मिलेगी। थोड़ी दूर चलने के बाद आपको यहां पे दर्शन होंगे बाण गंगा जी के। ये बाण गंगा है और इसको कुछ लोग बाल गंगा भी कहते हैं। मानना है कि जब हनुमान जी ने माता वैष्णो देवी जी से पानी का आग्रह किया था तो माता रानी ने बाण मार के इस गंगा को निकाला था। और कुछ लोगों की मान्यता ये भी है कि जब माता रानी यहाँ पे माता रानी ने अपने बाल भी धोए थे, तो यहाँ पे आप स्नान कर सकते हो। कहते हैं कि यहाँ पे स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो, अगर आप जो नौजवान हो तो आप सीढ़ियों से जा सकते हो, अगर आप बुढ़ापा आपका आ गया है तो आप प्लेन रास्ते से भी जा सकते हो। लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करता हूँ, जो लोग जिन लोगों को सांस की दिक्कत है या पेशेंट हैं वो लोग प्लेन रास्ते से जाएं। क्यों भैया जी? और जो लोग हम जैसे नौजवान हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाएँ। लेकिन हम सीढ़ियाँ चढ़ के इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें माता रानी की चरण पादुका के दर्शन करने हैं, जो कि आगे आएगी भाई। और आज की जर्नी में आपको मेन मेन चीज़ें दिखाने वाले हैं, आपको डिजिटली माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करवाने वाले हैं। और मुझे पता है यार, सब लोग इतने भाग्यवान नहीं होते, सब लोग नहीं आ सकते यहाँ पे दर्शन करने के लिए हर नवरात्रों में, इसलिए मैं हूँ ना भाई आपको डिजिटली सफ़र करवा रहा हूँ माता रानी का। तो जयकारा माँ वैष्णो देवी दा की जय। भाई कोई बोलता नहीं है इसलिए मुझे आप खुद ही बोलना पड़ेगा यार। बाकी यहाँ पे आपको ATM की सुविधा भी मिल जाएगी बाण गंगा चेक पॉइंट से, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस मार्ग पे आपको घोड़ा पिट्ठू पालकी हर चीज़ मिल जाएगी। अगर आप घोड़े से आते हो तो घोड़े का किराया कितना, घोड़े का किराया कितना है? 1250 बवन तक है, और 650 अध कुंवारी तक है भाई घोड़े का किराया। दोस्तों अगर आपको फोटो शूट करवाने का शौक है, चाहे आप किश्ती में शिकारा में बैठ के करवाओ, भगवान शंकर के साथ करवाओ, या माता वैष्णो देवी की पिंडी के साथ करवाओ, तो आप यहाँ पे भैया की दुकान पे आप फोटो शूट करवा सकते हो। भैया क्या चार्जेस रहेंगे फोटो शूट के? तो ये भैया ने फोटो शूट के चार्जेस लिखे हुए हैं, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। बाकी माँ वैष्णो देवी के साथ भी करवा सकते हो, शेर के साथ। सो भाई बाण गंगा से थोड़ी आगे आपको बाथिंग पॉइंट मिल जाएगा, जैसे आपको बाण गंगा पे मिला था बाथिंग पॉइंट, एक यहाँ पे मिल जाएगा, इससे थोड़ी सी नीचे है। तो यहाँ तक आपको तीन बाथिंग पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन ये वाला जो बाथिंग पॉइंट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया गया है श्राइन बोर्ड द्वारा, जो कि अभी आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं हम, कितना सुंदर है। देखिए ये सारे के सारे जो यात्री हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे बाथ लेके ही बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। बिलीव मी, अगर आप यहाँ पे श्रद्धा से नहाते हो ना, तो आपकी सारी की सारी थकान दूर हो जाएगी, चाहे आप यात्रा करके आ रहे हो। पर जब आप यात्रा करके आ रहे हो ना, तो गर्म गर्म मत नहा लेना, पहले रेस्ट कर लेना कम से कम आधा घंटा या पौना घंटा, उसके बाद नहाना। बाकी देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु
नहा रहे हैं, स्नान ले रहे हैं माता वैष्णो देवी जी का देखिए, और अपने तन को मन को पवित्र कर रहे हैं। देखिए माता रानी की भरपूर शक्ति के साथ, देखिए यहाँ पे महिलाएं औरतें हर जो बंदा प्रॉपर बाथ ले रहा है। देखिए ऊपर से पानी आता है और काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा पानी है। इस पॉइंट को जरूर देखें भाई, इस पॉइंट को देखने में आपको एकदम मज़ा आ जाएगा भाई, सीरियसली। देखिए यहाँ से भी देखिए और यहाँ से भी देखिए, नीचे से ये देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई। देखिए प्यूरा व्यू, चारों तरफ पहाड़ियाँ और बीच से माता रानी की बाण गंगा। सो दोस्तों, 2 या 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है, चलाई कर ली, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा माता इच्छापूर्णी का मंदिर, और यहाँ पे आप माँ भगवती के दर्शन कर सकते हो। मान्यता है कि आपकी जो भी इच्छा होगी वो आप यहाँ पे प्रकट करोगे तो आपकी ज़रूर पूरी होगी। दोस्तों अगर आप यात्रा पे आते हो ना, तो प्लीज़ घोड़ों पे यात्रा ना करें, क्योंकि जानवरों को तकलीफ़ दे के आप यात्रा अपनी पूरी नहीं कर सकते। देखिए किन किन परेशानियों का सामना करता है। देखिए घोड़े बेचारे थके हुए हैं, और ना इनको प्रॉपर डाइट देते हैं, सिर्फ इनसे फेरे लगवाते हैं भाई। तो प्लीज़ अगर कोई माता, बुजुर्ग माता जा रही है तो जाएं, बट ऐसे लोग ना जाएं जो चल सकते हैं अपने पैरों पे। देखिए इतने इतने नौजवान लोग हैं, इनको क्या माता रानी वो देगी जो जानवर का सहारा लेके यात्रा पूरी कर रहे हैं अपनी। क्यों गुरप्रीत भाई? भाई जो माता श्री अपनी चल नहीं सकती, बुजुर्ग है वो, घोड़े पे जाए तो चलता है ठीक है, लेकिन ये साले 40-40, 35-30 साल के लोग जा रहे हैं, जो इनको माता रानी क्या वो करेगी बताओ ना भाई। मैं 4-5 बार ये तो पिकनिक स्पॉट पे आए हैं, जो बीमार रहते हैं बट हम पैदल ही जाते हैं। वही है तो पैदल यात्रा करें, मन तन और आपका शरीर सब स्वस्थ रहेगा भाई। दोस्तों यात्रा के थोड़ी दूर बाद आपको मिलेगी रास्ते में चरण पादुका, ये माता रानी का मंदिर है चरण पादुका। और मान्यता है कि जब भैरव बाबा ने माता रानी का पीछा किया था ना, तो माता रानी यहाँ रुककर पीछे मुड़ के देखा था भैरव बाबा को, तो तभी माता रानी के यहाँ पे चरण के निशान बन गए, और ये मंदिर चरण पादुका के नाम से जाने लगा भाई। चरण पादुका के बाद आपको नए नए यहाँ पे रेस्टोरेंट खुले हुए मिल जाएंगे, अगर आपको कुछ खाना है तो आपको यहाँ पे हर एक टाइप की चीज़ मिल जाएगी, गुलाब जामुन हो चाहे कुछ भी हो, देखिए हर चीज़ आपको मिल जाएगी। हम तो अभी खाने नहीं वाले क्योंकि हम खा के आए हैं, और देखिए श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भर चुके हैं, हल्की हल्की शाम हो चुकी है, और यात्री लुत्फ़ उठाते हुए यात्रा का, अपनी यात्रा पूरी करते हुए। देखिए जयकारा माँ वैष्णो देवी दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। और देखिए माता रानी का यहाँ पे भवन से कितना प्यारा कटरा शहर दिख रहा है, और इधर देखिए पूरा सूर्यास्त हो चुका है, सनसेट हो चुका है, तो माता रानी का नाम लेते हुए हम इंजॉय करते हुए यात्रा का पूरा लुत्फ़ उठाते हुए हम चल रहे हैं अभी अपनी यात्रा। और सच बताए तो अभी तक हमें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई है भाई। बाकी ये इधर श्रद्धालु बहुत दूर से आए हैं, बीकानेर से आए हैं, राजस्थान से आए हैं दर्शन करने के लिए माता रानी के। देखिए ये पापा हैं और ये बेटे हैं आपके, ये दोनों बेटे हैं भाई, काफ़ी सच्चे मन से आए हैं, तो माता रानी आपको और आपके परिवार को ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करें। देखिए तो भैया बहुत चल लिया हमने प्लेन रास्ते से, अभी हम जा रहे हैं भाई सीढ़ियों वाले रास्ते से ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारी पहली सीढ़ी चल रही है, जयकारो माँ वैष्णो देवी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो देखिए भाई हमारी सफल यात्रा की कामना करते हुए हमने सीढ़ियाँ चूज कर लिया। दोस्तों यहाँ पे आपको मुंडन भी मिल जाएगी, अगर आपका अपने बच्चों के मुंडन करवाना चाहते हो तो यहाँ पे मुंडन करवा के आगे की यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी ये है बार्बर की दुकान, यहाँ फिलहाल कोई नहीं है अभी, बट यहाँ पे आप मुंडन करने के साथ साथ टीवी भी देख सकते हो। सो भाई थोड़ी थोड़ी थकान हमें महसूस होना शुरू हो चुकी है, तो थकान मिटाने के लिए हम यहाँ पे पियेंगे जूस, एनर्जी देंगे थोड़ी शरीर को। देखिए यहाँ भैया की दुकान पे आए हैं, यहाँ पे पूरे जूस मिल जाएंगे आपको, चाहे आप अनार का पियो, केले का, मौसम्बी का, संतरे का, सब जूस मिल जाएंगे आपको। भैया है नहीं यहाँ पे, बट भैया आवाज़ लगा रहे आते ही होंगे। सो यहाँ भैया दे रहे हैं 80 रुपये का, बट पानी मत डालना ठीक है, ऑन वीडियो बन रहा है यूट्यूब पे ठीक है।
बाकी भैया से पी रहे हम मौसम्मी का जूस। देखिए भैया ने 80-80 रुपए का लगाया, बट भैया को हमने बोला साफ सुथरा जूस देना भाई। बाकी ये ले लिया हमने 80 रुपए का गिलास, अब देखते हैं ओरिजिनल है कि नहीं है। बाकी भाई भैया ने पानी नहीं मिलाया है ना, अच्छा है जूस प्योर। सुबह देखिए टाइम हो रहा है लगभग 6:30 और अभी भी आधी कुंवारी मुझे लगता है 2-3 किलोमीटर हो गया ना यहाँ से, और भाई हालत खराब हो गई है सच में। पहले हम भागते भागते जा रहे थे, अब थोड़ी सी चाल है हमारी तो धीमी हो गई है ना, अंकली थक गए ना, अंकल भी थक गए इसलिए बैठ गए हैं। और मेन पता क्या यार, बंदा बैठ बैठ के रेस्ट करते जाए तो इतनी थकान महसूस नहीं होती, लेकिन बंदा चलता जाएगा तो बहुत ज़्यादा थक जाएगा। बाकी श्रद्धालु देखिए चले पड़े हैं, इधर भी देखिए बच्चे बूढ़े सब माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ का अनुभव हो रहा है हमें यहाँ पे देखिए, और नीचे देखिए पूरा व्यू। आई होप कि अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा होगा। और चलिए 5 मिनट बैठ लेते हैं फिर चलते हैं आगे। सो भाई ये देखिए माता रानी का नीचे से कटरा देखिए। सो भाई 2.5 घंटे की मुशक्कत के बाद हम पहुंच चुके हैं भाई माता रानी की अर्धकुंवारी पे। अभी मंदिर दिखाते हैं आपको, बाकी ये डिस्पेंसरी दिख रही है और वो देखिए ऊपर वाला रास्ता है। बाकी यहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट हो जाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे, बट अर्धकुंवारी का व्यू इंजॉय करो भाई आप माता रानी। और यहाँ पे गर्भ जून है, जून भी है, सब कुछ बताएंगे, महत्व बनाएंगे, बताएंगे आपको यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो भी बताएंगे आपको। एक तो यहाँ पे आपको डिस्पेंसरी मिल जाएगी, अगर कोई दिक्कत हो रही है मेडिकल संबंधी तो आप यहाँ पे आके अपना इलाज करवा सकते हो भाई। और यहाँ पे आपको ATM भी मिल जाएगा, बैंक भी देखिए सामने अर्धकुंवारी पे JNK बैंक। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं अर्धकुंवारी में और ये अर्धकुंवारी में रुके हैं खाना खाने के लिए। खाने में इतनी ज़्यादा लाइट हमने खाना था, भूख इतनी थी नहीं, तो एक लिया हमने नूडल और एक लिया हमने डोसा। जो रेट पड़े हैं वो 60-60 रुपए के आसपास पड़े हैं। बाकी टेस्ट आपको बता देते हैं कैसा है भाई हमारे नूडल जो कि हमें अर्धकुंवारी में मिल रहे हैं। ये भाइयों की सभी भाइयों की दुकान है इधर। बाकी गुरप्रीत कैसे हैं यार? टेस्ट तो ठीक है, थोड़ा सा मिठास है। हाँ चलो, सॉस नहीं दिया ना इसलिए मीठा पहले डाल दिया। हाँ नूडल सही है भाई। तो नूडल हो गए हमारे ख़त्म, अभी आ गया हमारा डोसा। बाकी डोसा भी काफ़ी लार्ज है, देखिए खाते हैं अपना जो डोसा जो कि मसाला डोसा है भाई। टेस्ट अच्छा है भाई। तो अभी खा रहे हैं हम मैकडी का बर्गर भाई। यहाँ पे देखिए अर्धकुंवारी पे आपको मैकडी हो गया, ये सब बड़े बड़े रेस्टोरेंट आपके मिल जाएंगे। और यहाँ से खा रहे हैं अभी बर्गर, देखते हैं अर्धकुंवारी पे जो बर्गर है वो कैसा रहता है मैकडी का भाई। और देखिए ये हमारी अर्धकुंवारी, यहाँ पे माता रानी की गर्भ जून है, यहाँ पे माता रानी ने भैरव बाबा से छुपकर तपस्या की थी भाई। और यहाँ पे कहते हैं कि जो गर्भ जून है ना वो माता रानी का जैसे गर्भ था ना उसी की शेप में है। अगर आपको यहाँ पे दर्शन करने हैं तो आपको 2-2 दिन की 3-3 दिन की लाइन भी लग सकती है भाई। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से यात्रा होती है अपनी माता रानी की गर्भ जून में। बाकी यहाँ से 2 रास्ते भी जाते हैं, एक चला जाता है अपना ताराकोट वाला और एक सीधा ये वाला चला जाता है भगवती भवन में। आप रुक सकते हो यहाँ पे, आपको ठहरने का प्रबंध मिल जाएगा भाई। जोर से बोलो।
सो यहाँ पे सिर्फ 50-50 रुपए में आपको बर्गर मिल रहा है और काफी अच्छी बात है। वीडियो बनानी हाँ, ब्लॉग ब्लॉग नहीं बना सकते भाई, बोल रहे ब्लॉग नहीं बना सकते भाई। ठीक है भाई, कैसे हो? बस बढ़िया भाई। पहचान गया भाई। भाई आप जितनी मर्जी ऊंचाई पे चले जाओ लेकिन मैक डी आपको वही प्राइस देगा जो आपको सेम ऑल ओवर इंडिया में मिलेगा भाई। देखिए अभी ट्राई करते हैं मैक डी का बर्गर। नो ऑनियन नो गार्लिक का बर्गर खा रहे हैं भाई हम। भाई इनकी रेसिपी का जवाब ही नहीं है यार, हर जगह टेस्ट सेम मिलेगा भाई। बाकी देखिए दोस्तों ये है यहाँ के भवन, एक है शारदा भवन, एक है भगवती भवन, ठीक है। और ये आगे हमारी गर्व जोन, देखिए अंदर कैमरा, मोबाइल, पर्स, बेल्ट तथा चमड़े का सामान अलाउड नहीं है यहाँ पे, देखिए। और काफ़ी प्यारा लग रहा है भाई हमारा, देखें ये पूरा का पूरा जो मंदिर है ये गर्व जोन का मंदिर है। और हम जाएंगे अभी उस रास्ते से, देखिए उस रास्ते से आगे जाएंगे अभी, देखिए। और काफ़ी ज़्यादा यात्री यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपको यहाँ से पर्ची कटवानी पड़ेगी, देन आप लाइन में लगोगे भाई। सो भाई अभी हम जा रहे हैं प्रवेश करने के लिए ताराकोट मार्ग में, और ये हमारा ताराकोट मार्ग स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप रेस्ट करके सो भी सकते हो, देखिए काफी ज्यादा यात्री यहाँ पे सोए हुए भी हैं। देखिए ये अंकल जी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं सारे। और ये जो ताराकोट मार्ग है ना, ये वैसे तो नीचे से आता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना कि ये ताराकोट मार्ग है, वही ताराकोट मार्ग है, लेकिन ये अर्धकुंवारी के साथ भी मिल जाता है भाई। देखिए नीचे से आपको पॉइंट दिखाते हैं जहाँ से ये मिलता है। नवरात्रों में तो भाई यहाँ पे प्यार रखने के लिए जगह नहीं होती है। बाकी दोस्तों यात्रा मार्ग पे आपको कंबल की सुविधा बिल्कुल निशुल्क मिल जाएगी। थोड़ी सी सिक्योरिटी जमा करते हैं, वो 500 या 600 रुपए रखेंगे। वो इसलिए रखेंगे क्योंकि लोग अपने घरों में, कई लोग कंबल लेके भाग जाते हैं, तो वो इसलिए सिक्योरिटी रखते हैं कि कोई कंबल लेके ना भाग जाए। बाकी ये सारे लोगों ने देखिए यहाँ पे कंबल वगैरह लिए हुए हैं रेस्ट करने के लिए। देखिए ये सारे कंबल माता रानी श्राइन बोर्ड के ही हैं। और ठीक है भाई, आपको थकान नहीं होगी, आप कहीं भी इनकी सेवा ले सकते हो। बाकी रास्ते में आपको वॉशरूम की फैसिलिटी, पानी की सुविधा और इमरजेंसी मेडिकल की सुविधा निशुल्क मिलेगी एकदम। तो भाई यहाँ बंदरों से सावधान रहें, बंदर आपका मोबाइल, पर्स, प्रसाद छीन के भाग सकते हैं। और ये आगे दो रास्ते, ये हमारा आ गया पुराना वाला जिस रास्ते से हम आए, और ये हमारा न्यू ताराकोट मार्ग है जिसको अभी हमने ज्वाइन कर लिया है भाई। और ये जो ताराकोट मार्ग ये काफ़ी ज़्यादा साधारण और सिंपल है, मतलब यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ नहीं मिलेंगी, एकदम प्लेन मिलेगा, चढ़ाई थोड़ी बहुत होगी लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा यात्रा करने में इस मार्ग में। अर्धकुंवारी से हम निकले हैं और हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, चला नहीं जा रहा है भाई एकदम। ये देखिए भाई यात्रियों से निवेदन है कि वे किसी भी प्रकार की आपात स्थिति, सो भाई ये था हमारा दूसरा चेक पॉइंट। और चेक पॉइंट पे आजकल ऐसे ही हो रहा है, सिर्फ अंदर जाओ और घूम के आ जाओ बस, नहीं नहीं हो रही चेकिंग बस। अभी भवन थोड़ी दूर रह गया यहाँ से। जय माता दी, 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 अरे सब मिलो बोलो जय माता दी। भाई अभी हम पहुंचने वाले हैं कटरा, और कटरा का जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर यात्रा हमारी रह चुकी है। और रात को खा रहे हैं भाई सैंडविच और साथ में कॉफ़ी ली थी, आउटलेट बना हुआ था यहाँ पे, तो हमने कॉफ़ी वगैरह पी है एंड ये खा रहे हैं सैंडविच। मन तो नहीं था खाने का क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था, लेकिन भाई कह रहे हैं चलो खा लेते हैं, तो चलो खा लेते हैं हम सैंडविच। जय माता दी, मिलते हैं अब आपको सीधा भवन पे। सो भाई ये पहुंच चुके हैं हम सांझी शत वाले रास्ते पे, और ये हमारा जो मेन रास्ता था ना ये वाला था जिससे हम अभी आए हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हो ना तो आप वहां से उतरोगे और इस रास्ते से आओगे, और यहां से मात्र 1 किलोमीटर दूर हमारा भवन है भाई। तो गाइज फाइनली पहुंच गए गाइज हम मंदिर में, देखिए।
और अभी हमारा मेन एंट्री हो गई है गाइज मंदिर में। और यहाँ पे देखिए माता रानी का स्वर्ग सा सुंदर सा मंदिर दिख रहा है, डेकोरेशन के साथ दिख रहा है भाई। और गला पूरा बैठ चुका है गाइज मेरा, बोला नहीं जा रहा है मेरे से गाइज, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं चल रहा गाइज, थक काफ़ी चुके हैं गाइज। और यहाँ पे देखिए गाइज आप घर में प्रसाद वगैरह बेंट वगैरह ले सकते हो गाइज, जो कि श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पे लगाया गया है भाई, यहाँ से आप ले सकते हो। और अगर आप लगेज के साथ आते हो तो प्लीज़ अपना लगेज यहाँ पे सबमिट करवाएं, ये आपको चेक पॉइंट से थोड़ी ही आगे मिल जाएगा। और यहाँ पे हाथ धोने का प्रबंध भी किया गया है भाई, जो भी मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे अपना सामान जरूर जमा करवाएं भाई। और भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आपका कुछ भी सामान है ना तो उसको वहाँ पे ही जमा करवा के आए। जहाँ पे मैंने क्लॉक रूम दिखाया ना वो फर्स्ट क्लॉक रूम था, और इसके आगे भी आपको एक और क्लॉक रूम मिल जाएगा। क्लॉक रूम की जो सुविधा है वो बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है, एक भी रुपया देने की आपको जरूरत नहीं है, फ्री में आप अपना सामान यहाँ पे जमा करवा सकते हो भाई। लेकिन सामान के साथ अंदर जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सिर्फ बेंट और हाँ भाई हाँ जी हाँ जी भाई और भाई हाँ, तो ये अपने भाई हैं, जय माता दी, जय माता दी। कहाँ से आए हो भैया? बिहार से ये भाई, बिहार से आए हैं, समस्तीपुर छपरा, ये छपरा चंपारण से आए हैं ना। तो भाई अच्छा लगा भाई से मिलके। बाकी मैं आपको बता रहा था बार बार कि अपना सामान वहाँ पे जमा करवा के आए, क्योंकि भाई फ्री है। और हाँ ये भी अपने भाई हैं भाई, सारे के सारे, ये देखिए भाई सारे के सारे भाई अपने बिहार से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं भाई। तो बहुत बहुत मुबारक इन सबको, इन सबकी फैमिलीज को, माता रानी देर सारी खुशियां प्रदान करे। एंड बहुत अच्छा लगा भाइयों से मिलके, बिहार भाई जोर से बोलो, जोर से बोलो जय माता दी। तो चलो भाई चलते हैं अभी अंदर और दिखाते हैं आपको आगे का व्यू भाई कैसा रहता है यार, ठीक है। बाकी ये जो फूल लगाए हैं ना, ये 5 करोड़ के फूल लगाए गए हैं श्राइन बोर्ड द्वारा। देखिए अगर आप घर पे बैठे हैं तो आपको घर बैठे बैठे अभी दर्शन करवाएंगे हम डिजिटली। और यहाँ पे भी देखिए भीड़ काफी ज्यादा लगी हुई है प्रसाद के लिए, देखिए ये सारे भाई अपने प्रसाद लेने के लिए लगे हुए हैं लाइन में। और अभी हमें भी लाइन में लगना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा पीछे है भाई, वहाँ पे लाइन में लगेंगे अभी हम। ये कितनी ज्यादा अच्छी सजावट की गई है यहाँ पे, मन तृप्त हो गया भाई ऐसी सजावट देख के। देखिए ऐसी सजावट कभी नहीं देखी मैंने। भाई ये जो लाइन देख रहे हो ये सारी सारी दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है, जो कि काफी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। तो अगर आप यहाँ पे दर्शन करोगे ना तो आपको टाइम लग सकता है यहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं आगे दर्शन वगैरह करने के लिए, और भीड़ होने के कारण यहाँ पे सायरन भी बज गया भाई। देखिए तो भाई ये अपना डॉन मिला हमें, रक्षण डॉन। एंड हमारी यात्रा तो भाई सफल हो गई भाई के दर्शन। हम आपकी वजह, विशाल भाई को इतनी देर से बोला मैं विशाल भाई इकट्ठे वीडियो बनाएंगे, आज मिलेगा हमें माता के यहाँ पे दरबार में। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चलो भाई अब आ जाओ नहाते भाई, अब इकट्ठे नहाते अभी नहाते, किसी एंगल लगा के नहीं, सॉरी जस्ट कट कर। चलो भाई अभी नहाते और दर्शन करवाते आपको साथ ही साथ। बाकी यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर की टिकट बुकिंग करवा सकते हो। और देखिए माता रानी का जो एंट्री गेट है भाई एकदम भव्य लग रहा है, साथ ही साथ आपको माता रानी का कालका भवन भी दिख रहा है भाई, क्या प्यारा व्यू लग रहा है भाई। देखिए तो प्रभात दोस्तों, साथ ही साथ जय माता दी। आज है नवमी और हमने जो यात्रा स्टार्ट करी थी वो अष्टमी को करी थी, और हमारी जो यात्रा है वो सम्पन्न हो चुकी है। अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:30, तो चलिए अब जा रहे हैं हम अपने घर पे। और मैंने आपको अंदर का व्यू दिखाना था, लेकिन आपको पता अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हम भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, कैमरे वगैरह चार्ज नहीं थे,
तो इस वजह से हम शूट नहीं कर पाए थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे पता है मैंने बहुत अच्छी वीडियो आपको दिखाई है, डिजिटली यात्रा करवाई है माँ वैष्णो देवी की। करते हैं इस खूबसूरत जर्नी को यहीं पे एंड। आज की यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे आपको एक नई खूबसूरत यात्रा के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।